युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन जब द्वारिकाधीश प्रभु स्वधाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं तो अब हम पांडव परिकर इस धरातल पर रह करके क्या करेंगे? तुरंत बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, राज्याभिषिक्त कर दिया। समस्त पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। पास में ही स्वर्गारोहणी है, 25 किलोमीटर दूर। छोटी सी आयु में बालक परीक्षित के ऊपर राज्य गद्दी का भार आ गया। राजर्षि परीक्षित ने अपने ही वयोवृद्ध अनुभवी मंत्रियों को साथ में लिया और नगर का परिभ्रमण करने लगे। कहीं मेरे राज्य में किसी निर्बल को तो नहीं सताया जा रहा, कहीं ब्राह्मण संतों का अपमान तो नहीं हो रहा, क्योंकि राजा का धर्म है दीन दुखियों के दुखों को दूर करना। और जो राजा दीन दुखियों के दुखों को दूर नहीं करता, उस राजा की आयु श्री नष्ट हो जाती है। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वान् त्रस्यन्ते साधु साधु भी तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिर आयुर्भवो गति। इसलिए राजा का धर्म है दीन दुखियों के दुखों को दूर करना। परंतु जैसे ही राजर्षि परीक्षित नगर का परिभ्रमण करने के लिए आगे बढ़े तो देखा एक काला पुरुष गाय और वृषभ को डंडे के द्वारा प्रताड़ित करता हुआ आगे ले जा रहा है। वृषभ जिसके तीन पैर टूटे हुए हैं, केवल एक पैर के सहारे से घसीटता हुआ वृषभ आगे बढ़ रहा है। गौ माता के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। देखते ही राजर्षि परीक्षित का क्षत्रिय धर्म भड़क उठा, तुरंत अपनी तलवार निकाली। राजर्षि परीक्षित बोले, विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मण संत और गायों के रक्षण के लिए संवर्धन के लिए प्रभु ने अपना प्राकट्य ग्रहण किया और आज प्रभु के स्वधाम गमन के पश्चात गायों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार। राजर्षि परीक्षित बोले, हे गौ माता, मैं जानना चाहता हूं आप कौन हैं, कृपया करके आप मुझे अपना परिचय दीजिए, आप क्यों रो रही हैं? वृषभ, मैं जानना चाहता हूं आप भी अपना परिचय दीजिए, आपकी यह दुर्दशा किसने की आप मुझे बताइए। अश्रुपात करता हुआ वृषभ बोला, मैं अपने दुख का कारण किसी को बतलाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सुना है कि पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार माना जाता है। मैंने एक बात और सुनी है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, तो कर्म ही सुख दुख का कारण है, फिर मैं आपको अपने दुख का कारण क्या बतलाऊं? कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर इच्छा से ही सब कुछ होता है, तो फिर मैं अपने दुख का कारण किससे बतलाऊं? कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुसार मनुष्य को सुख दुख प्राप्त होता है, ग्रह जब अनुकूल हो जाएं तो आनंद ही आनंद,
और ग्रह यदि कहीं प्रतिकूल हो जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मैं अपने दुख का कारण किसी को बतलाना नहीं चाहता, मैं स्वयं ही अपने दुख का कारण हूं। सुनते ही राजर्षि परीक्षित बोले, मैं आपको जान गया, आप गौ माता के रूप में साक्षात धरणी हैं और वृषभ के रूप में आप साक्षात धर्म हैं, परंतु ये धूर्त कौन है जो आपको इस तरह डंडे के द्वारा प्रताड़ित करता हुआ ले जा रहा है। मैं जान गया आप क्यों दुखी हैं, क्योंकि द्वारिकाधीश प्रभु लीला संवरण करके स्वधाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए आप उनके विरह में दुखी हैं। राजर्षि परीक्षित ने जब तलवार हाथ में ली और जैसे ही कलयुग ने राजर्षि परीक्षित को देखा, तुरंत चरणों में गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम करने लगा। महाराज, शरण में आए हुए की रक्षा करना चाहिए, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। राजर्षि परीक्षित बोले, तुम कौन हो, तेरा इतना साहस, मेरे राज्य में मेरी बिना आज्ञा के तूने आने का प्रयास किया। धूर्त, तुम कौन हो? तब वो काला पुरुष बोला, महाराज मेरा नाम है कलयुग। सरकार जब मेरा समय आ जाता है तो फिर मुझे आना पड़ता है, मेरा समय निश्चित है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, द्वापर के बाद में मेरा समय आ जाता है। कलयुग की आयु है 432,000 वर्ष। महाराज मेरी आयु है 432,000 वर्ष और इतने समय तक मुझे आपके ही राज्य में रहना पड़ेगा, और महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं, क्योंकि इस भूमंडल के ऊपर एक छत्र आपका ही आधिपत्य है। नते गुणा के सयसोधराण बद्धांजलिर वै भयमस्ति किंचे न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कलयुग बोला, सरकार मैं कहां जाऊं? तब राजर्षि परीक्षित बोले, भैया हम तुम्हें चार स्थान बतलाते हैं और उन चार स्थानों में जाकर के तुम रहो। कौन कौन से स्थान? दूतम पानम स्त्रिय सोना यत्र धर्मश्चतुर्विध यत्र धर्मश्चतुर्विध। दूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है, ऐसे स्थान पर जाकर के रहो। पानम, जहां मदरा का पान किया जाता है, ऐसे मदरालय में जाकर के रहो। स्त्रिय, जहां पर स्त्री के साथ गमन किया जाता है, ऐसे वैश्यालय में जाकर के रहो। सूना, जहां पर जीवों की हिंसा की जाती है, ऐसे स्थान पर जाकर के रहो। हाथ जोड़ करके कलयुग बोला, सरकार भले ही मैं अवगुणों का भंडार सही, परंतु मेरे अंदर एक गुण बड़ा ही सुंदर है और हो सकता है सरकार आपको पसंद आ जाए। राजर्षि परीक्षित बोले, बताइए कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर? कलयुग अपना गुण बतलाने लगा। यत्फलं नास्ति तपसा ना योगेन
तेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में गाया। कलयुग के बने हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावही नर पावही भव थाहा। अन्य युगों में तप योग यज्ञ आदि के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से वो फल की प्राप्ति हो जाती है। और इसी गुण पर रीझ गए राजर्षि परीक्षित, हाथ जोड़ करके कलयुग बोला, सरकार आपने मुझे चार स्थान दिए, चार कमरे आपने मुझे रहने के लिए दिए, परंतु सरकार मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इन चार कमरों में मेरा गुजारा नहीं होगा। सरकार मेरे गुण के अनुरूप एक कमरा तो आप मुझे वातानुकूल एयर कंडीशन आप मुझे प्रदान कीजिए, सारी सुविधाएं जिसमें युक्त हूं। राजर्षि परीक्षित बोले, बताइए कलयुग तुम्हें और कौन सा स्थान चाहिए? कलयुग बोला, महाराज मुझे स्वर्ण में वास चाहिए। पुनश्च याचमानाय जाते रूप मदात प्रभु ततोन्नतम मदम काम रजो वैरम च पंचम। मुझे स्वर्ण में वास चाहिए। राजर्षि परीक्षित के अंदर माता उत्तरा की उदारता का गुण समाहित हो गया और राजर्षि परीक्षित बोले, कलयुग तुम्हें स्वर्ण में वास दिया। औत्तरे येन दत्तानि निदेशं तन्य देशकृत। अब एक ओर तो भगवान कहते हैं कि स्वर्ण में मेरा वास है, एकादश स्कंद में 16वें अध्याय में विभूति योग में भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि उच्चैः सर्वा तुरंगाणां धातूनां अस्मि कांचनम्, स्वर्ण में मेरा वास है। और इधर प्रभु ने
कलयुग को स्वर्ण में वास दे दिया। अब ये कैसे माना जाए कि कौन से स्वर्ण में भगवान का वास है और कौन से स्वर्ण में कलयुग का वास है। कुछ लोग कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई के द्वारा जो स्वर्ण आभूषण बनवाए हैं उसमें भगवान का वास माना जाता है। बोलो राधे राधे। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं महाराज ईमानदारी की कमाई वाले तो केवल भोजन ही कर पाते हैं, सोना कहां पहन पाते हैं। कहीं ना कहीं महाराज कुछ ना कुछ मिलावट तो हो ही जाती है। पहले लोग पाप करने से घबराते थे, परंतु आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग पाप करते हुए गौरवान्वित तो होते हैं। बोलो राधे राधे। यदि पूछा जाए कि तनख्वाह कितनी मिलती है तो लोग कहते हैं महाराज तनख्वाह तो कम ही मिलती है पर ऊपर की इनकम अच्छी है। बोलो राधे राधे। पहले घर में एक व्यक्ति कमाता था और 9 लोग बैठ करके खाते थे, इसलिए उसे कहते थे नौकरी। फिर समय बदला, एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग घर में बैठ करके खाते थे, तो फिर नौकरी का नाम बदल गया, फिर उसका नाम हो गया चाकरी। फिर कुछ समय बदला, तो फिर नाम हो गया तनख्वाह। तनख्वाह फिर कुछ समय बदला, फिर उसके बाद में नाम बदल गया वेतन। वेतन तो कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ मिलावट तो हो ही जाती है, परंतु यह कैसे माना जाए कि कौन से स्वर्ण में भगवान का वास है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संकेत बतलाया है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें एक ना एक गुण, एक ना एक दोष न पाया जाए। हर वस्तु सदोष है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। जड़ हो या चेतन, हर वस्तु में दोष है। अरे भोजन करो तो भोजन में दोष, वस्त्र पहनो तो वस्त्र में दोष। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें एक ना एक गुण, एक ना एक दोष न पाया जाए। परंतु यद दोष को यद ठाकुर जी को अर्पण कर दिया जाए तो फिर वो दोष दोष नहीं रहता, फिर वो दोष निर्दोष हो जाता है। यद हमने स्वर्ण आभूषण यद बनाया है तो सबसे पहले ठाकुर जी को चढ़ा दो, ठाकुर जी को पहना दो और ठाकुर जी का प्रसाद मान करके उसे फिर धारण कर लो, तो फिर उसमें कलयुग का वास नहीं माना जाता, फिर उसमें भगवान का वास माना जाता है। भोजन यदि बनाया है तो ठाकुर जी को भोग लगा दो और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर वो ठाकुर जी का प्रसाद बन जाता है। होगा भोजन में दोष, परंतु ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद वो प्रभु का प्रसाद बन जाता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में संकेत बतलाते हैं, तुम ही निवेदित भोजन कर पट भूषण धर प्रभु प्रसाद पट भूषण धर प्रभु प्रसाद
ठाकुर जी को स्वर्ण आभूषण अर्पण करने के बाद फिर उसमें भगवान का वास माना जाता है, फिर उस स्वर्ण में दोष नहीं रहता। एक दिन राजर्षि परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट को धारण करके वन में शिकार करने के लिए निकल पड़े। वन में पहुंचे, बड़ी जोर से प्यास लगी तो सोचा कि पास में ही समीक ऋषि का आश्रम है, तो क्यों ना ऋषि के आश्रम में चल करके जलपान किया जाए। राजर्षि परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उस समय समीक ऋषि समाधिस्थ बैठे हुए थे, परंतु राजर्षि परीक्षित ने सोचा देखो कितना ढोंगी महात्मा है। अरे इस महात्मा ने सोचा होगा कि राजर्षि परीक्षित आएंगे तो उनका स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, तो स्वागत सत्कार ना करने की वजह से ये आंख बंद करके बैठ गया। ये इसकी मृषा समाधि है, झूठी समाधि। राजर्षि परीक्षित की बुद्धि में दोष आ गया और तुरंत राजर्षि परीक्षित ने एक मृत सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। यही गलती भागवत में राजर्षि परीक्षित ने की और यही गलती रामायण में की। राजर्षि परीक्षित ने एक असली संत को नकली समझ लिया और रामचरितमानस में एक नकली संत को असली समझ लिया, और कुशंग के कारण प्रताप भानु नामक राजा का जीवन बर्बाद हो गया। इधर राजर्षि परीक्षित ने असली संत को नकली समझ लिया, और यदि किसी असली संत को नकली यदि समझ लिया जाए तो इसका परिणाम बड़ा ही घातक होता है। छोटे छोटे बालक इस दृश्य को देख रहे थे। बालकों ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बतलाया, ऋषि पुत्र क्या तुम्हें मालूम है, अभी अभी राजर्षि परीक्षित ने तुम्हारे पिताजी के गले में मृत सर्प डाल दिया। सुनते ही बालक श्रृंगी के लाल लाल अरुण अधर फड़फड़ाने लगे, ब्रकुटी को टीढ़ा कर लिया। तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और मंत्र पढ़ करके तुरंत श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनी दक्षति स्म कोलांगारम नोदितो मे तत द्रोहम। जिस कुलांगार राजा ने समाधिस्थ बैठे हुए मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, मेरे पिता को अपमानित किया है, मैं उसे श्राप देता हूं।